महाराजा हरि सिंह की जयंती की पूर्व संध्या को महाराजा हरि सिंह प्रतिमा स्थल पर युवा राजपूत सभा की ओर से एक भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसके दौरान बीजेपी नेताओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पर हिस्सा लिया और महाराजा हरि सिंह जी को श्रद्धांजलि दी। जिन्हें अंतिम बार राज करिए फिले किता सड़क पार करने निदा मेरे पुराने के बुजुर्ग ही पूछ लाओ भाई जिले लखनपुर पार कर दे हिंदुस्तान। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से हमेशा की तरह यहाँ पर हो रहा है। महाराजा हरि सिंह का जम्मू कश्मीर के लिए और भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान है। महाराजा हरि सिंह ऐसे महाराजा थे जो आधुनिक युग के बहुत ही प्रोग्रेसिव महाराजा, उनका समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है या राजनीतिक तौर पर भारत की जो एकता के लिए, अखंडता के लिए जो उनका योगदान है, वो हमेशा उनको याद किया जाएगा। एक महाराजा हरि सिंह थे जिनका 23 सितंबर को उनका जन्म दिया हुआ और अपनी जो मां थी, माता जी थी, उनकी कोख से उन्होंने जन्म लिया, यहाँ के राजकुमार बने और बाद में महाराजा बने। एक उनका जन्म जो है भारत माता की कोख से हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, जब उन्होंने विलय पत्र को साइन करके भारत माता के सपूत की भांति उन्हें जम्मू कश्मीर जो मुकुट बनी था उनको भारत के साथ अभिन्न अंग किया और उस भारत माता के अभिन्न अंग को जो अड़चने थी 370 के रूप में 35A के रूप में 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर का विलय किया उसके कारण आज यहाँ जो वातावरण है, जिस प्रकार से घर घर में तिरंगा जो है फहराया जा रहा है, जनगण मन गाया जा रहे हैं, इस प्रकार का वातावरण जो जम्मू कश्मीर में है, उसका जो श्रेय, उनका जो श्रद्धांजलि है, यह श्रद्धांजलि जो है महाराजा हरि सिंह को है, जो हम जो है उनके जन्मदिन को मना के उसको आज जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सबसे पहले मैं सारे जम्मू कश्मीर वासियों को आज 128वें महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराजा हरि सिंह जी जहाँ पर एक देशभक्त थे, वहीं पर एक सामाजिक न्याय और समाज के अंदर परिवर्तन लाने वाले युग पुरुष थे, जननायक थे, जिन्होंने 1925 पे जब कोरोनेशन हुई, जब राज्याभिषेक हुआ उनका, उस समय उन्होंने कहा कि सभी धर्म सभी समाज के बंधु मेरे अपने हैं और मेरा धर्म न्याय करना है, और आजीवन उसके ऊपर चल करके एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। मैं धन्यवादी हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी के जो छुट्टी को लेकर के जो आम जनमानस की आवाज़ थी उसको सुन करके पिछले वर्ष महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस पर छुट्टी की घोषणा की। उसके साथ साथ जो विलय दिवस 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा साहब ने अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों की एक भविष्य देखते हुए उन्होंने किया था, उसके अवसर पर भी छुट्टी दे करके जम्मू कश्मीर के आम राष्ट्रवादी समाज का एक बहुत बड़ा उसके ऊपर उपकार किया है। मैं आज के दिन सारे जम्मू कश्मीर वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत हर्ष से इस दिन को हर घर के अंदर मालाएं लगा करके, दीपक जला करके दिन को मनाने के लिए आग्रह करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जहां बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने महाराजा हरि सिंह के जीवन पर अपने विचार रखे, वहीं दूसरी तरफ युवा राजपूत सभा के कुछ सदस्यों का कविंदर गुप्ता के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान जहां एक तरफ महाराजा हरि सिंह अमर रहे के नारे गूंज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ युवा राजपूत सभा के सदस्यों का कविंदर गुप्ता के खिलाफ गुस्सा भी फूटा। युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने कार्यक्रम में कविंदर गुप्ता के खिलाफ खूब नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि कविंदर गुप्ता ने अभी तक अपने शब्द वापिस नहीं लिए हैं और ना ही युवा राजपूत सभा से माफ़ी मांगी है। बीजेपी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ना कि उनके शब्दों को नज़रअंदाज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जोड़ने वाली नहीं बल्कि बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। वो माफी वर्ड यूज नहीं करेगा जिसको कविंदर गुप्ता कहते हैं। उसमें इतनी ईगो हो चुकी है कि उसका प्रधान माफी मांगता है, देवेंद्र राणा माफी मांगता है, लेकिन उसमें इतनी ईगो है वो आए तो उसे माफी वर्ड यूज नहीं किया।
क्यों पता नहीं, वो जो समाज को बांटना चाहता है और वो जम्मू को इकट्ठा नहीं चाहता। अगर बीजेपी भी जम्मू को इकट्ठा करना चाहती है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाए, हम बीजेपी के नारे लगाए। देखिए हमने इंतजार किया, हमने श्रद्धांजलि देने का इंतजार किया, अब जब उनके स्पीकर बोल रहे हैं तब हम बोले हैं। जब तक वो महाराज जी को प्रणाम कर रहे थे, उनका श्रद्धांजलि दे रहे, उनका बर्थडे मना रहे, श्रद्धांजलि बर्थडे मना रहे थे, तब तक हम चुप रहे। जैसे ही वो अपनी भाषण देना शुरू हो गए, हमने उनके खिलाफ नारा लगाया। हमने ये रविंदर रैना को सामने इसलिए नारा लगाए कि रविंदर रैना सुबह एक्शन करे, अगर वो वाकई जम्मू का हितैषी है तो सुबह उसको बाहर निकाले। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। कॉन्टैक्ट अस फॉर एडमिशंस। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।